हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो राजस्थान बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने अब जारी कर दिया है सिवीरा, यानी शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से पंचांग जारी हो चुका है। और उस कैलेंडर में कहा गया है कि आपकी जो द्वार्षिक परीक्षाएं हैं वो दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है। तो ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको स्माइल 3.0 के तहत अक्टूबर माह के अंतर्गत जितनी भी आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है उन सभी वर्कशीट को अवेलेबल कराने वाला हूं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो द्वार्षिक परीक्षा है उसके अंदर स्माइल 3.0 के तहत आपके जितनी भी वर्कशीट आती है आपको उन सभी वर्कशीट को सॉल्व करना है, और उन सभी वर्कशीट से ही आपके हाफ ईयरली के अंदर भी क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो ये आपके हिंदी अनिवार्य निबंध की एक वर्कशीट है, इसमें से आपको निबंध लिखना है कोरोना वायरस के ऊपर या फिर मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। हो सकता है कि इन दोनों निबंध में से कोई सा भी एक निबंध आपके द्वार्षिक परीक्षा के अंदर छप जाए। फिर आपकी अगली वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं हम। ये जो खाली पेज है इसके अंदर आपको निबंध लिखना है। फिर आपकी अगली वर्कशीट एक निबंध के ऊपर है, स्वच्छ भारत अभियान और आतंकवाद भारत के लिए एक चुनौती। इस तरीके से ये आपके चार निबंध है, इन चारों निबंध को आपको पक्का करना है द्वार्षिक परीक्षा के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपके आया है एक अपठित काव्यांश। इसमें आपको एक काव्यांश दे रखा है, इस काव्यांश पर आधारित आपको कुछ प्रश्न पूछ रखे हैं, आपको उन प्रश्न के उत्तर देने हैं। इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन के ऊपर, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, उस प्लेलिस्ट में आपको इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर आपके एक अपठित काव्यांश आया है, उस पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने थे। फिर आपके एक वर्कशीट आई है कार्यालय पत्र के अंतर्गत, जिसमें से आपको जिला कलेक्टर को पत्र लिखना है पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए। दूसरा आया है कि बोर्ड परीक्षा के केंद्र की स्वीकृति के लिए। तो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा यह था कि आपके अक्टूबर माह के अंदर हिंदी की जितनी भी वर्कशीट आई है मैंने उन सभी वर्कशीट को आपके लिए कलेक्ट कर लिया है, और मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन सभी वर्कशीट को सॉल्व करें। अब मैं आपके जिस माह के अंदर जितनी भी वर्कशीट आती है उन सभी माह की वर्कशीट आपको अवेलेबल करा दूंगा। और आप भी इन वर्कशीट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट की लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिए, क्योंकि अब की बार आपके द्वार्षिक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन है वो इन वर्कशीट के अंदर से ही आने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।